झारखंड के सरायकेला में बीजेपी महिला मोर्चा का सीएम के खिलाफ आंदोलन। सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला, महिलाओं पर हो रहे यौन हिंसा पर मांगा जवाब। यूपी के श्रावस्ती जिले में जंगली सुअर का आतंक, सुअर के हमले में दो लोग घायल। यूपी के कानपुर शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, 12 स्थायी अतिक्रमण और 80 अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त। नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के सरायकेला में बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य में हो रहे महिलाओं के यौन शोषण से आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आदित्यपुर में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। इस संबंध में भाजपा नेत्री रश्मि साहू ने बताया कि राज्य में हर दिन महिलाएं यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के भीतर राज्य में के अलग अलग हिस्सों से 1200 से भी अधिक महिलाएं यौन शोषण का शिकार हुई हैं, जो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। फिलहाल राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। किसका पुतला दहन कर रहा, क्यों कर रहा? आज हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग देखते आ रहे हैं कि झारखंड में जब से सीएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से यहाँ छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उनके साथ बलात्कार की घटनाएं आए दिन हमारे अखबारों में, हमारे प्रेस मीडिया के द्वारा जारी की जा रही है। आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है हमारे हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी यही आरोप लगाया गया है, जो कि एक महिला के द्वारा 2013 में उनका बलात्कार करने की घटना सामने आई है। जब ये आरोप उन पर लगा है तो आज उनको नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं ये मांग करती है कि नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन जी अपना इस्तीफा दें। यूपी के कानपुर शहर के जोन 3 में किदवई नगर थाने से गौशाला चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें 12 अस्थायी अतिक्रमण और 80 अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इस अभियान में जोन की टीम के साथ जोनल अधिकारी राधे श्याम पटेल, विनय सागर कर अधीक्षक और कर्नल आलोक नारायण प्रवर्तन अधिकारी के साथ नगर निगम प्रवर्तन दल मौजूद रहा। थाना किदवई नगर की पुलिस भी दस्ते के साथ मौजूद रही। यूपी के फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में राशन डीलर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ई पोस मशीन से राशन वितरण में आने वाली समस्याओं से निजात देने की मांग की गई। इस दौरान काफी संख्या में क्षेत्र के राशन डीलर मौजूद रहे। यूपी के श्रावस्ती जिले में जंगली सुअर ने आतंक मचा रखा है, जहां थाना क्षेत्र मल्लीपुर के ग्राम पंचायत कथरा माफी में जंगली सुअर ने दो लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। कथरा माफी में सुअर एक व्यक्ति पर तब हमला किया जब वह अपने घर पर बैठा हुआ था और दरवाजे पर उसकी लड़की खेल रही थी। सुअर ने बच्ची पर हमला किया, जिसे बचाने के चक्कर में व्यक्ति घायल हो गया। सुअर ने दूसरा हमला सहियापुर निवासी साबित राम मोरिया पर किया, जो अपने साइकिल पर खाद लेकर खेत में जा रहा था। सुअर को सामने पाकर सोबित ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।